हेलो गाइस, वेलकम टू आर टी एम जी। आज हम बनाएंगे कुछ नया। और अभी ये वीक तो वैलेंटाइन डे का चल रहा है, तो चलो कुछ वैलेंटाइन डे के लिए पेंटिंग बना देते हैं। वैलेंटाइन डे का जो वीक रहता है वो तो बहुत स्पेशल रहता है, बहुत गिफ्ट्स मिलते हैं, बहुत चॉकलेट्स भी मिलते हैं, तो वो तो हम सब के लिए बहुत स्पेशल रहता है। और इसी स्पेशल डे पे हम बनाएंगे एक रोमांटिक सी पेंटिंग। तो ये पेंटिंग के लिए मैंने यूज़ किया है कैनवास जो 10x12 का है, और ये कलर रेड एंड ब्लैक वाला जो कलर है वो मैं एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ, उसको ब्लेंड हो कर रही हूँ जो अपना बैकग्राउंड है वो ठीक से दिखना चाहिए, तो मैंने ये यूज़ किया है। इसके ऊपर मैंने पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लिया था मून, और उसके बाद इसके ऊपर वाइट कलर कर रही हूँ। वाइट कलर ये इसलिए कि ये हमारा मून है और उसके ऊपर हार्ट आने वाला है, तो मैंने ईयरबड्स का यूज किया है हार्ट बनाने के लिए। ये बड़े बड़े डॉट्स लेके मैं हार्ट बना रही हूँ, और इसको और उभर के लेकर आने के लिए हार्ट में बहुत ऐसा बोल्ड दिखना चाहिए थोड़ा सा, तो उसके लिए मैं छोटा छोटा डॉट भी उसके अंदर बनाने वाली हूँ। वो डॉट मैंने मंडला आर्ट का जो किट रहता है स्मॉल वाला डॉट वाला, तो उससे मैंने वाइट डॉट्स बनाए हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा हार्ट भी अच्छा खासा बोल्ड हो जाएगा, तो ब्लैक के ऊपर वो वाइट कलर भी बहुत अच्छा दिख रहा है। और ये हमारा हार्ट बन रहा है। मैं ये जो चीज़ें इसमें यूज़ कर रही हूँ बनाने के लिए अपनी पेंटिंग, तो उसके एफिलिएट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप चाहे तो वहाँ से परचेस कर सकते हो। और ये मैंने अभी आउटलाइन किया है, एक बॉय और गर्ल का पहले स्केच निकाला था पेंसिल से, तो उसके ऊपर ब्लैक कलर से आउटलाइन कर रही हूँ। और ये फाइन लाइन का आउटलाइन ब्रश है, तो ये आउटलाइनिंग के लिए बहुत परफेक्ट रहता है, आपकी आउटलाइन बहुत ईजी से निकल आती है। ब्लैक कलर के आउटलाइन करके हम उसमें डार्क ब्लैक भर देंगे, और गर्ल का ड्रेस जो है वो वाइट डॉट से मैंने फिल किया है, छोटे और बड़े डॉट से, और ब्लैक कलर के कुछ नीचे ग्रास डालिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।